हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्टल नंबर परमिशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम ऑक्टल नंबर परमिशन क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल में हम चीज़ें देखते हैं। सो ऑक्टल नंबर परमिशन इन लिनक्स प्रोवाइड ए कॉम्पैक्ट एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन। तो बेसिकली जब भी हम डायरेक्टरी या फाइल का परमिशन देते हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट टू वीडियोज़ में देखा था, हम उसमें कैरेक्टर का इस्तेमाल करते थे यूज़र के लिए यू, ग्रुप के लिए जी और अदर्स के लिए बेसिकली ओ। सो उसके बाद हम वहाँ पे साइन करते थे कि हमें परमिशन देनी है या परमिशन रिवोक करनी है। परमिशन देने के लिए प्लस का साइन और रिवोक करने के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमें रीड, राइट या फिर एग्जीक्यूट जो भी परमिशन बेसिकली देनी होती है, हम वहाँ पर मैंशन करके फिर फाइल डायरेक्टरी का नाम लिख करके हम बेसिकली परमिशन देते थे। तो बेसिकली जब भी हम ऑक्टल नंबर परमिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें जो है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्पैक्ट होंगी और हम जो है कि परमिशन नंबर के फॉर्मेट में दे पाएंगे। हम बेसिकली नंबर लिखेंगे और जो जिस तरीके का हमें परमिशन चाहिए उस फाइल या डायरेक्टरी को, उस तरीके परमिशन हमें हम इजीली उसको दे पाएंगे। ओके, ईच परमिशन सेट ऑनर ग्रुप एंड अदर्स इज असाइंड ए 3-डिजिटल ऑक्टल नंबर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस। तो बेसिकली जो भी परमिशन का सेट्स होता है, वो हम ऑनर ग्रुप और अदर्स के लिए हम असाइन करते हैं। जो भी ऑनर का परमिशन होता है वो होता है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, वैसे ही ग्रुप के लिए और वैसे ही अदर्स के लिए। तो बेसिकली हम तीनों के कॉम्बिनेशन मिला के हम बेसिकली 3 नंबर लिखते हैं, एक नंबर यूज़र के लिए, एक नंबर ग्रुप के लिए और एक नंबर अदर्स के लिए। फिर उसी के आधार पर उसको परमिशन मिल जाती है। वो कैसे हो आगे हम देखेंगे। ओके, इन ऑक्टल नोटेशन ईच परमिशन टाइप इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। Read is represented by the digit 4 and write is 2 and execute is 1. Now basically, जब हमें किसी को read permission देनी होती है तो हम use करते हैं number 4 का, और किसी को write permission देनी होती है तो number 2 का, और basically जब execute देनी होती है तो हम use करते हैं 1 का। और अगर हमें permission देनी हो read, write और execute तीनों का, तो हम use करेंगे 7। कैसे? 4 + 2 + 1 = 7। ठीक है, हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमें रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाएगी। और अगर हमें सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट चाहिए तो हम यूज़ करेंगे 4 + 1 = 5। तो इसके से हम कैलकुलेट करके यूजर्स के लिए नंबर लिखते हैं और ग्रुप के लिए, फिर अदर्स के लिए नंबर लिखते हैं। तो बेसिकली ये 3 नंबर में हमारा काम हो जाता है और उसी के आधार पर हम परमिशन दे पाते हैं। तो चलिए हम लैब में चलते हैं और इस बार थोड़ा और डीप जानते हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं दिखाऊंगा करके कि हम कैसे परमिशन असाइन करते हैं। ओके, तो मैं आ चुके हैं अपने उबंटू के मशीन में और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बेसिकली 3 ग्रुप में बांट रखा है परमिशन को। जैसे आपको पता ही है, एक होता है यूजर्स या फिर ऑनर, फिर दूसरा होता है ग्रुप और तीसरा होता है अदर्स। ठीक है, सो तीनों में हम क्या करते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं। ग्रुप में भी सेम और अदर्स में भी सेम। तो जैसे मैंने आपको ये अभी आपको पीपीटी में दिखाया, अब बेसिकली रीड के लिए जो नंबर होता है वो होता है 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1, और ग्रुप के लिए भी सेम होगा और अदर्स के लिए भी सेम होगा। सो अगर हमें किसी को, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र को हमें देनी है परमिशन रीड की और राइट की, सिर्फ और रीड और राइट, तो बेसिकली RW। ठीक है, इसमें हम कौन सा नंबर इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली रीड के लिए है 4, राइट के लिए 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में मान लो हमें देना है बेसिकली राइट का परमिशन और एग्जीक्यूट का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2, 1, 3। बात करें अदर्स का, अदर्स में अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रीड देनी है तो रीड का क्या नंबर है 4, तो बेसिकली हम दे देंगे 4। ठीक है, तो इससे इसको क्या मिल जाएगा परमिशन, रीड का और राइट का, और ग्रुप में हमने क्या रखा है नंबर 3 यानी कि 2 + 1 यानी राइट और एग्जीक्यूट का, तो यहाँ पर आएगा डैश, फिर आएगा राइट, फिर एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद जो अदर्स है उसको हमने दिया परमिशन नंबर 4 जो कि है ओनली रीड। ओके, तो ये आएगा बेसिकली रीड फिर डैश डैश, कुछ आपको इस तरीके का परमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, जो जो परमिशन बेसिकली देनी होती है हम उसको कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, फिर वो परमिशन उसको मिल जाएगी। तो बेसिकली हम ये पहला जो नंबर है ये यूजर के लिए हो गया, दूसरा जो होता है बेसिकली ग्रुप के लिए, और तीसरा जो होता है वो अदर्स के लिए। ओके, तो चलिए हम आते हैं अब टर्मिनल पे। ओके सो हम आ चुके हैं टर्मिनल पे। ओके, एलएस करते हैं यहाँ पे कोई फाइल, मैं चलता हूँ सीडी टेस्टिंग डायरेक्टरी के अंदर। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैं करूँ ls -l, तो आप देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे डैश का साइन है ये हो गया फाइल के लिए, फिर रीड राइट का परमिशन है, फिर रीड राइट का परमिशन है और फिर रीड का परमिशन है।
ओके अब जो हम आते हैं अपने ये टेक्स्ट में, तो अगर हमें परमिशन बेसिकली देनी हो कुछ इस तरीके की, रीड राइट, राइट एग्जीक्यूट और रीड, ठीक है, तो हम सिंपली कमांड लिखेंगे chmod स्पेस 634 स्पेस फाइल का नाम जो कि है फाइल वन डॉट टेक्स्ट, पे कर रहे हैं एंटर, फिर करेंगे ls -l, तो आप देख सकते हैं हमने सेम टू सेम परमिशन यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब आप चाहते हैं बेसिकली, अब मैं आऊँ, मैं चाहता हूँ जो यूज़र का परमिशन हो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट का हो, ठीक है। एग्जीक्यूट के लिए क्या कमांड, क्या नंबर है बेसिकली, वन, तो हम बेसिकली लिखेंगे यहाँ पे वन। ग्रुप में चाहते हैं कि इसमें सिर्फ राइट हो तो बेसिकली टू, और अदर्स में चाहते हैं कि सिर्फ और रीड हो तो फोर, 1 2 4, ओके। सो chmod स्पेस 1 2 4 फाइल वन डॉट txt ls -l, तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट राइट एंड रीड परमिशन इसको मिल गई, ओके ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मान लो कि हमें ये यूज़र है, इसको हम परमिशन देनी है रीड एंड राइट का, तो बेसिकली हम लिखेंगे 4 2 + 2 = 6, और हम चाहते हैं जो ग्रुप है उसका बेसिकली इसको परमिशन ना हो, कोई परमिशन ना हो, ना रीड की, ना एग्जीक्यूट की, ना ही राइट की, तो बेसिकली हम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं 0 का, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं अदर्स का भी कोई परमिशन ना हो बेसिकली, तो हम यूज़ करेंगे बेसिकली 0 का, ओके। तो और हम 600 यूज़ करेंगे, तो देखिए मैं क्या होता है, मैं दिखाता हूँ, तो chmod स्पेस 600 फाइल वन डॉट txt ls -l, तो इस तरह से आप परमिशन दे सकते हैं रीड एंड राइट का, और बाकी का जो ग्रुप का परमिशन है और आपका अदर्स का जो परमिशन है वो रिवोक हो जाता है। तो अगर परमिशन किसी का रिवोक करना हो तो आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो अगर 0 का इस्तेमाल आप करोगे तो इसमें से आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी, सारी परमिशन इसको विड्रॉ कर ली जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप ऑक्टल नंबर का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, बस इस आपको टेबल को याद रखना है, सिर्फ रीड देने के लिए 4 नंबर, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए बेसिकली 1, और आपको कॉम्बिनेशन चलाना है जैसे रीड एंड राइट, तो इन दोनों को जोड़ दो, और आपको रीड एंड एग्जीक्यूट चलाना है तो बेसिकली 4 + 1 कर दो, इक्वल टू 5 हो जाएगा, और पहले नंबर में आप ये लिख दो, पहला जो नंबर होगा ये यूज़र के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए, और तीसरा नंबर जो है आपका अदर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइस इस तरीके से आप लिनक्स में ऑक्टल नंबर परमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिक परमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन दे सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।